ब्लॉक 52 के प्राथमिक विद्यालय पोहकर पूर्वा में एसडीएम सदर स्वाति शुक्ला के हाथों नया फर्नीचर पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने इसके लिए एसडीएम मैम को धन्यवाद भी दिया और उनके साथ खुलकर बातचीत की। एसडीएम सदर श्रीमती शुक्ला ने 60 बच्चों को बैठने के लिए विद्यालय में फर्नीचर उपलब्ध करवाया। इसके बाद वह विद्यालय में मौजूद बच्चों के पास पहुंची तथा बच्चों से पूछा, नया फर्नीचर कैसा लग रहा है। इस पर बच्चों ने खुशी का इजहार करते हुए मैम को धन्यवाद दिया तथा खुलकर बातें भी की। एसडीएम श्रीमती शुक्ला ने बच्चों का हाल चाल जाना तथा उनसे पढ़ाई के बारे में भी चर्चा की। एसडीएम ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे अपने माता पिता का सम्मान करते हुए खूब पढ़ लिख कर आगे बढ़े। उन्होंने बालिकाओं से कहा कि उन्हें पढ़ लिख कर देश के लिए अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए। सब कुछ अच्छा देखकर उन्होंने विद्यालय के स्टाफ की भी सराहना की। इस अवसर पर प्रधान अध्यापिका श्रुति यादव, सहायक अध्यापिका रूपा रानी, ग्राम प्रधान अमित गुप्ता, ममता पाल सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा स्कूल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। अच्छा बताओ, इसकी तुम बताओ मुझे। अच्छा उत्तर प्रदेश की राजधानी बता दो। अच्छा और किसी का पूछूं, सब बता लोगे तुम। अच्छा तो बताओ महाराष्ट्र की राजधानी। और कोई बच्चा बैठ जाओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बोलो उस क्लास में, मतलब कौन सा क्लास है? तुम लोग किस क्लास में हो? सेम क्लास में हो? तुम लोग वो टेबल कहाँ तक आती है बताओ? 14 की सुना या 16 की सुना? 14 पे आज क्या आयोजन था? यहाँ पर मैं प्राथमिक विद्यालय पोहकर पूर्वा में आई हुई थी। यहाँ पे मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया, जानने के लिए पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है। पढ़ाई वगैरह यहाँ ठीक चल रही थी और बच्चों की सुविधाएं के लिए हम लोग ने यहाँ फर्नीचर भी प्रोवाइड कराए हैं ताकि बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सकें और बाकी यहाँ पे पढ़ाई और सारी चीज़ें ठीक चल रही।